नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो जाके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो सरोज, हाँ जी, कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। एक बात और बता देता हूँ, सरोज मुस्कान ब्लॉग को आप प्यार इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार बनाए रखे। अब मैं जाऊँगा, जैसे चंडीगढ़ जाऊँगा तो सरोज और मुस्कान ब्लॉग्स पे पूरे घर की डिटेल डेली ब्लॉगिंग करा करेंगे, उसमें जो डेली काम काम करते हैं वो सब दिखाया करेंगे। और जिस दिन खुशखबरी आएगी उस दिन थाली में जाऊंगा। आने वाली है गाइस, बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाली है, इसीलिए मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। ताऊ की खुशी तो अलग ही होती है, नहीं? वो तो आपके चेहरे पर अलग ही दिख रहा है। अलग, मैं तो खुश इतना हूँ, इतना खुश हूँ है ना कि सिलेंडर वाला आ गया। सिलेंडर वाला आ रहा। खुशी कितनी है सरोज? जल्दी आ सिलेंडर लिया। मुस्कान ते को नहीं। मुस्कान, मुस्कान बहन, गोलू पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था आप, क्या लोगोगे? नमला मम्मी, आप दादी लोगोगे किसकी? दादी? हाँ। दादी किस तरह लगेगी? अच्छा, आप क्या लोगोगे? आप कमेंट करके बताना सरोज इस सूट में कैसी लग रही है। पाड़े दिया। क्या हो गया फिर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नया सूट आज पहन रहा था। तो जल्दी करो, एक बार पैसे देकर कमेंट का रिप्लाई कर दो। तो गाइस, ज्यादा ज्यादा कमेंट का रिप्लाई करने वाले आज मेरे चैनल पे और सरोज चैनल पे ब्लॉग आ गया। ज्यादा से ज्यादा जाके प्यार देना। ब्लॉग बिल्कुल अलग ही ब्लॉग है, मजेदार ब्लॉग है। तो जाके फटाफट आप सरोज मुस्कान चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बायो में लिंक है। मम्मी जी, हां जी, चाय मत बनाना आज। आज वो एकादशी। हां, एकादशी आज, पता मेरे को। ठीक है, चलो बेटा निकाल लिए कमेंट। हां जी, चलो फिर देख ले बेटा, तेरी मम्मी मेरे से मेहनत करवा रही है ना। कल मैं 3 बार सुखा के 3 बार उतार के लाई। हां, कल बारिश ज्यादा थी ना। हां जी, इसको अंदर रख दे बेटा। तो जी, अभी हम कर रहे हैं कमेंट का रिप्लाई और आपके बीच में आ चुके हैं आपको आपके नामों के साथ आपके कमेंट का रिप्लाई करने। तो सबसे पहला कमेंट है ममता लांबा का, माता रानी आपको और आपके बच्चों को तरक्की दे, थैंक यू जी। राखी राणा का कमेंट है, लवली ब्लॉग दी, गॉड ब्लेस यू एंड आई योर फैमिली, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्थी, माई लाइव लॉन्ग लाइफ। सवाती जी का कमेंट है, भगवान आप सबको हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे। अभी जो जी का कमेंट है, ब्यूटीफुल ब्लॉग, गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली, लव फ्रॉम इटली, मुस्कान तो मेरी स्वीट बेटी है। जयश्री का कमेंट है, आप ऐसे ही खुश रहो आप सब, गॉड ब्लेस यू। तो जयश्री जी और अभी जो जी, स्वाति जी, राखी राणा जी और ममता जी, आप सभी का हमें इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं थैंक यू के अलावा मेरे को ना कुछ बोलना नहीं आता, मैं कुछ बोल नहीं सकती। माता जी, आपको भी माता रानी बहुत बहुत तरक्की दे। और आपने, और कौन सा था मुझे, सविता जी, आप भी मुस्कान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और भगवान आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी दे, आपके बच्चों को भी। इसकी तो हम भगवान से यही प्रेयर करेंगे, जैसे आप हमारे लिए इतनी दुआ करते हैं, हम भी आपके लिए इतनी दुआ करें, आपकी भी हर मनोकामनाएं पूरी हों। तो अगला कमेंट है आकांक्षा जी का, नाइस फैमिली, मुझे आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगती है और आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, संस्कारी हैं और सब एक जैसे हैं, हेल्पफुल हैं, मम्मी पापा की किसी की नज़र ना लगे, किसी की नज़र ना लगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो अगला कमेंट है यश जी का, माता रानी आपको खुश रखे। और तीसरा कमेंट है मधु जी का, हमेशा खुश रहो आप सभी, गॉड ब्लेस यू। तो मधु जी और यश जी और आकांक्षा जी, आप सभी को भी भगवान माता रानी हमेशा खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। तो अगला कमेंट करेगी मुस्कान। भावना जी ने कमेंट करा, गोलू आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कितने साल के हो, अभी आप और मुस्कान प्लीज रिप्लाई जरूर देना। तो भावना जी, मैं हूँ अब +2 क्लास में हो गया और मैं हूँ 16 ईयर्स ओल्ड। नवंबर में जिस दिन मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी है उसी दिन मेरा बर्थडे, उस दिन मैं हो गया 17 ईयर्स ओल्ड। और मैं 10th क्लास में हो गई, मैं हूँ 16 साल की। 16? गलत है तो ये गलत बोल गए हैं। 16? ये अभी 16 की हुई नहीं है, ये होगी 16 की और ये हो जाएगा 70 का, 18 का।
ये 18 का हो जाएगा और यो 18 जून को 16 हो जाएगी। और निशु जी ने कमेंट किया कुलदीप भैया गोलू का E5 में एडमिशन है करवाना बेस्ट स्कूल है इसलिए लाइफ बन जाएगी। और ज्योति जी ने कमेंट किया सरोज आंटी आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो ज्योति जी मैं पढ़ती हूँ 10th क्लास में, भाई पढ़ता है प्लस 2 में हो गया और मुगल हो गया 8th में। दिया कपूर जी ने कमेंट किया मुस्कान बहुत ही मासूम बच्ची है, गॉड ब्लेस हर, बहुत सुखी रहे हमेशा, भगवान ऐसे ही सुखी रखे। और रोहित जी ने कमेंट किया मुस्कान को देखकर मुझे रोना आ गया, मेरे पापा दिसंबर 2023 को नहीं 23-2022 को हमें छोड़कर चले गए हैं और मुझे उनकी याद आती रहती है, भगवान जी बहुत जल्दी मेरे पापा जी को वापस लेके आएंगे और आप अच्छे रहो, गॉड ब्लेस यू। तो रोहित जी और दिव्या कपूर जी आपको दिल से धन्यवाद। और रोहित जी आप रोहित जी तो देखो जिसने धरती पर जन्म लिया उसको जाना तो पड़ता ही है, तो हम तो यही प्रेयर करेंगे भगवान से भई आपके पापा की आत्मा को शांति दे और आपको हिम्मत और हौसला दे जो आप अपने मम्मी को संभाल सके, अपने छोटे बहन भाइयों को संभाल सके। सविता जी ने कमेंट किया योर फैमिली सो गुड, गॉड ब्लेस यू ऑफ यू, आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और सागर जी ने कमेंट किया भाभी जी आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, मुस्कान बेटा स्माइल रखा करो, चेहरे पर अच्छे लगते हो। सविता जी आपको दिल से धन्यवाद, आप हमारे साउथ अफ्रीका से व्लॉग देख रहे हो उसके लिए आपको मेरी दिल से धन्यवाद। मेरे दिल से नहीं, हम सभी के दिल से धन्यवाद जो आप हमें इतनी दूर से सपोर्ट कर रही हो। और ज्योति चौधरी जी ने कमेंट किया मुस्कान इज वेरी नाइस गर्ल। और गंगा कंबोज जी ने कमेंट किया बहुत क्यूट फैमिली है, वाहिगुरु जी ऐसे ही खुश रखे। गंगा कपूर जी और ज्योति जी आपको भी दिल से धन्यवाद, मुस्कान सच्ची में वैसे क्यूट है लेकिन ये ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं किसी टाइम जब ये बहुत डरावनी लगती है, मारती बहुत जोर जोर से। नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, तेरे से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो देखो बहन भाइयों का थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है। तो अगला कॉमेंट है सीमी जी का, अच्छा लगता है जब बच्चे घर के काम में साथ देते हैं, गुड। आजकल के बच्चे तो पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनते हैं बट आपके बच्चे आपकी सारी बातें मानते हैं, कभी आगे से जवाब नहीं देते हैं बच्चे। बच्चों की बोल्डिंग भी मस्त है, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो सिमी जी आपने मेरे बच्चे को इतनी इम्पोर्टेंट दी है, वैसे तो हकीकत में मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, ये आगे से ना कोई जवाब देते हैं ना कुछ वगैरह वगैरह अंदर बाहर जाते हैं और जो भी मैं काम बोलती हूँ मेरे साथ में हेल्प करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से दुआ करती हूँ, माता रानी की तरफ से दुआ करती हूँ कि आपके बच्चे भी आपको इतना ही सपोर्ट करें, आपकी इतनी ही इज्जत और कदर करें। थैंक यू। ठाकुर जी ने कमेंट किया है कालू भाई आपकी फैमिली हमारी तरह है, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखो और उसके साथ रहो, सपोर्ट यूर फैमिली कालू भैया। तो थैंक यू जी, आपने हमें इतना सपोर्ट किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। सोनिया चौधरी जी ने कमेंट किया क्यूट फैमिली, वेरी नाइस फैमिली, बहुत अच्छी है। वर्मा जी ने कमेंट किया आपकी फैमिली बहुत ही क्यूट है, थैंक यू जी। विकास शर्मा ने कमेंट किया गुड मॉर्निंग जी, हैव ए ग्रेट डे। तो विकास जी आपकी को भी गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से और आपका भी दिन बहुत ही अच्छा निकले। भारती जी ने कमेंट किया सिंपल एंड स्वीट फैमिली, वेरी नाइस व्लॉग। और अंशु जी ने कमेंट किया बट रियल यू आर सो क्यूट एंड अकॉर्डिंग टू मी यू आर द बेस्ट डॉटर एंड सिस्टर टू यार, यू आर रियली डिस्ट्रॉयड बेस्ट। तो अंशु जी ने कहा है मैं मुस्कान आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है और मतलब पापा के नाम से डॉटर और सिस्टर हमारे नाम से, तो आपकी बेटी बहुत ही अच्छी है। तो अंशु जी आपका दिल से धन्यवाद। अंजलि राजपूत ने कमेंट किया सरोज भाभी आप कैप में बहुत सुंदर लग रहे हो, तो थैंक यू अंजलि जी। सुंदर लग रहे हो अपने आप के ऊपर वो ले लिया है। यशु जी ने कमेंट किया सरोज यू लुकिंग सो हैंडसम इन कैप, और बोलो पंडित जी आप तो बड़े हंसते हो पंडित हो। अगर आप सबको बुरा लगे तो सॉरी सरोज, नाक में गुदगुदी, नाइस बोलो। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, माता रानी आप सभी को खुश रखे और थैंक यू वेरी मच
जो मेरे को कैप अच्छी लगी है, और गुदगुदी का मतलब मैं ये कह रही थी बच्चों से, मैंने करना था आराम, मैं बच्चों को बोली मेरे को बारिश लगी, मेरे नाक में गुदगुदी हो रही, इसलिए मेरे को बुखार, तुम काम करो। तो भाई मैं बता हमारा पंडित जी भी बहुत ही स्वीट है, बिना स्वीट्स बिना उसके काम करता है ये, क्या कर, बिना दक्षिणा की, पर ये दक्षिणा ने मेरे बीच बीच में जो मैं करती हूँ इससे इधर उधर का काम करवाती, निकाल लेता है दक्षिणा। देखो ये तो होता ही है, मैं आपको बता देता हूँ, हम भी छोटे थे तो अपना उस टाइम तो हमारे लिए 1 रुपया बहुत होया करता है, 1 रुपया भी नहीं, हम 50 पैसे बचाया करते, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे हम बचा लिया करते अपने खर्चे के लिए। तो देखो खर्चा तो बच्चे बगैर खर्चा ना अपना उसके बगैर नहीं चलते, कोई भी बच्चा होगा नहीं चलेगा, चलेगा भी नहीं चलेगा। पापा जी पैसे पास होना जरूरी है ना, पैसे पास होना जरूरी है, कब तो भाई दोस्त मिल जाए, पैसे पास रखना जरूरी है, भाई जी रास्ते में दोस्त मिल जाए, चीज जाए खुलानी पड़ जाए। हाँ सही बात है, इतने तो रखा कर बेटा, सो तो कदे सोचा है कुछ कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, 1 रुपया भी क्यों नहीं देती सरोज, जब सामान लेकर आता हूँ ना, जैसे चीनी 40 है, 35 आती है, कभी 40 भी आती है, तो मैं 3 रुपए बचाने पड़ते हैं 1 किलो चीनी में। ले अपनी ईमानदारी और धोखेबाजी से अपने आप ही बता दी। तो जी अगला कमेंट है याचिका जी का, सरोज दी आप पे कैप बहुत मस्त लग रही है, आपकी और कालू भैया की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, मुकुल के बिना अजीब सा लग रहा है, गोलू और मुस्कान गॉड ब्लेस यू। याचिका जी थैंक यू वेरी मच, मुकुल के बिना तो मेरे को एक खुद सुना सुना अजीब सा लग रहा है, हमारा घर अजीब सा लग रहा है, तो वही था हमारे घर का एक रौनक, रौनक थी वो। और ये मेरे दोनों जो इर्द गिर्द बैठे ये दोनों मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं, और हमारी जोड़ी भी आपने बोला अच्छी ये होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छी है भगवान की दया से। और नविता सिंह जी ने कमेंट किया बहुत इनोसेंट फैमिली है कालू भैया, ध्यान रखो ऐसे ही फैमिली का, ऐसे बच्चे नसीब से मिलते हैं। राहुल शर्मा जी ने कमेंट किया सरोज जी राम राम, और लक्ष्मी जी ने कमेंट किया मुस्कान बेटा सबको ऊपर जाना है, मत रोया करो खुश रहो। नाम तो बता, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी थैंक यू वेरी मच। देखो ऊपर तो जाना ही होता है, पर फिर भी ना याद तो आती है, कभी कभी अपने आप ही अंदर से ही अजीब सी फीलिंग होने लगती है, जैसे अभी हो घर पे अभी हो। आर्या जी ने कमेंट किया हिमांशु बहुत क्यूट लगता है व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में, मुस्कान प्लीज रोया मत करो, आप रोते हो तो मुझे भी रोना आता है, आप हमें आप हमारा नाम नहीं लेते हो, कुलदीप अंकल आप बहुत अच्छे फादर और हस्बैंड हो। आर्या जी देखो गोलू को लगती है व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट अच्छी, और मुस्कान कभी कभी अपने आप इमोशनल हो जाती है, इसको कुछ कहो ची ना कहो तो आगे से ये ना नहीं रोएगी है ना, क्योंकि देख उनको भी अच्छा नहीं लगता जब आप रोते हो तो अपनी फैमिली भी रोने लग जाती है, फैमिली भी रोने लग जाती है, उनको भी बुरा लगता है, तो आगे से नहीं रोएगी ना, नहीं रो। अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है, वो अपनी एक फैमिली फैमिली है। ठीक है बेटा, ठीक है चलो आप रिप्लाई दे दो, आप तो दे दो, आप बोलो इस कंदारिया जी को आगे से नहीं रोएगी, क्या नाम है अंकल जी, बोल दो भैया बोल दो, कंदारे जाके से मैं कभी नहीं रहूंगी, ब्लॉग में देख सकते हो, देख सकते हो ब्लॉग में, ब्लॉग के बाद रहेगी, फिर ब्लॉग के बाद रहूंगी तो रोऊंगी तो रोऊंगी वो तो रोना ही है। चलो एक बार के मुस्कान चलो करेगी, करो बेटा। अर्फी खान जी ने कमेंट किया भाई प्लीज, भाई प्लीज आप कभी भी मेरे कमेंट में जवाब नहीं करते हो, बट मैं आपकी फैमिली को बहुत लाइक करता हूँ, तो बोल अर्फी खान जी को भाई, जैसे हमें आपका नाम आगे आता है तो हम कमेंट का जरूर रिप्लाई करते हैं, और आप एक बात ये भी समझ सकते हो कभी कभी ना कमेंट इतने ज्यादा आ जाते हैं तो सबका रिप्लाई दिया नहीं जाता, तो उसमें कुछ देते हैं कुछ अगले दिन देते हैं, देखो जितना हमारी तरफ से होती है कोशिश सुनना तो हम कमेंट करते ही हैं। और वंश गुज्जर जी ने कमेंट किया है आंटी आपके व्लॉग मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं आपके व्लॉग का डेली वेट करती हूँ, और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। वंश जी अब हमारा व्लॉग जो कुलदीप सरोज चैनल पे व्लॉग है वो 3 बजे आता है, और जो वो सरोज मुस्कान व्लॉग्स पे चैनल पे व्लॉग है वो अब 1 या 2 के बीच में या 1 बजे या 2 बजे आया करेगा, और अब आज जाएंगे नया फोन लेने तो हम डेली व्लॉगिंग करेंगे अपने घर की। और हमारे चैनल को सरोज मुस्कान व्लॉग्स को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देना जिससे हम आपको हर एक चीज दिखा सकते हैं, उसमें चाहे छोटी मोटी हमारी लड़ाई झगड़े हो, चाहे हमारा खाना पीना हो, चाहे हमारा घर का काम हो,
बच्चे हमारी सिलाई हो कुछ भी हो हम उसमें हर चीज दिखाएंगे आपको। और गाइस सरोज मुस्कान व्लॉग में सरोज मुस्कान तो नाम ऐसे ही लगा रखे हैं, मेहनत तो मैं करती हूं। नहीं उसमें जैसे पापा जी के पास फोन है तो पापा जी व्लॉग बनाते हैं और एडिटिंग भी करते हैं, मेरे पास फोन आता तो व्लॉग मैं बनाता हूं एडिटिंग मैं करता हूं। तो बेटा फोन एक होगा तो एक ही बंदा बनाएगा, फोन तो एक बंदे चार तो बार बार फोन। और कुलदीप सरोज व्लॉग पे भी मम्मी का नाम ऐसे है क्योंकि उसमें पापा ही मेहनत करते हैं, पापा ही एडिटिंग करते हैं, सिर्फ आप बोलते बोलते हो। कमाल की बात है, सारे कमेंट तो मैं पढ़ूंगा उनको, मैं मेहनत नहीं बेटा देखो मैं तो एक जरिया हूँ, मेहनत आप लोग करते हो, मेरा तो नाम ही को नहीं कोई की नहीं नहीं मैं हूँ ना, मैंने ले दिया आपका नाम, मेहनत देखो आप सभी करते हो, मैं तो एक जरिया हूँ। नहीं हम सभी करते हैं, नहीं नहीं मैं तो वैसे हूँ, नहीं आप सिर्फ कैमरा पकड़ते हो, मैं कैमरा मैन हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पूरी फैमिली है जितने भी हम घर में बंदे सब मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनत करता है मेरा छोटा बेटा मुकुल, वो ज्यादा मेहनत करता है बंदे का साथ देता है, ठीक है अपनी फैमिली इतनी इतनी उसकी फैन है बहुत ज्यादा। तो कल ना आ रहा है, मैं ये सोच रही हूँ कल आप तो चंडीगढ़ जाओगे, इसको वहाँ छोड़ दूँ और हम सारे मुकुल ना लेने चले जाओ, तुम चले जाओ फिर हम दो दिन रह भी आवांगे, जाओ और बताओ। मीनू जी ने कमेंट किया नाइस ब्लॉग, आप कैप में बहुत स्वीट लग रहे हो, बी केयरफुल बेटा जी। कुलदीप जी आपकी स्माइल बहुत नाइस है, सरोज जी जब आप स्माइल करते हो तो मुझे बहुत स्वीट लगते हो, मुस्कान बेटा जब आप भी मुझे बहुत स्वीट लगते हो, मुकुल कब आएगा घर पर, सो हैप्पी। तो मीनू जी मैं आपको बता देती हूँ हमारे घर में सभी अच्छे हैं, सिर्फ मेरे को छोड़ के मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, मेरे टूटे हुए दांत भी दिखते हैं। तो मेरा बेटा घर आएगा बहुत जल्दी, कल हम जा रहे हैं मुकुल को लेने, फिर वो आपसे मिलेगा। तो बचपन में कोलगेट कह रहा हूँ मैं, चॉकलेट कम खाया कर, टॉफिया खाई थी बैग में लोगों को स्कूल, जो 1 रुपए की 10 आती थी पहले, और आज तेरे बच्चे ये काम कर रहे हैं, 1 रुपए की 10 नहीं 10 पैसे की 10 आती थी, 10 पैसे तो मेरा कौन ही, 1 रुपए की 25-30 आती थी, इतनी मोटी मोटी आती थी, 10 पैसे की 10-20 पैसे की, मैं ना चोरी तक खाया करते ना जी, बउरा उन अटक जाया कर दी, बोल दे जी बउरा देनी पड़ा कर दी, फिर थप्पड़ खा ले बचपन का वो है, और अभी ये नहीं, नहीं बचपन का नहीं है, मेरे दांतों में लगा हुआ पायरिया तो उसकी वजह से मेरे दांत खराब हो गए, ठीक है। तो अब मैं आपकी कैसेट नहीं चढ़वा दूंगा, ठीक है कैसेट नहीं कैसेट ही चढ़वा दे, कैसेट निकाल कर चढ़ाना, जबाड़ा अलग से लिया वो करवाना पड़ेगा, अब तेरी मम्मी होगी बुढ़ी, बुढ़ी होगी, मैं होगी 45 साल की, मैं तो फिर 70 साल का हो गया, मैं तो 35 साल बड़े हो, और क्या होगी 45 की, मैं बड़ी हूँ आपसे 10 साल, कितनी होगी तेरी सही बता, बता तो दिया, अरे बता तो बता देंगे 32 कितनी, मैं तो इंट्रो क्या कर रहे इंट्रो कर रहा हूँ, वो करने आए थे घर का क्या कहते हैं उसको, जो भी है मम्मी की एज बताओ, हाँ सर हाँ सर्वे करने आए थे, मैंने पापा की एज लिखवा दी 31 साल आपकी, 29 साल मेरी एड्रेस है 31 साल की तो मम्मी है, मम्मी क्या साल की है तेरी, मैं 31 की, नहीं 31 की ना 30 तेरी मम्मी होगी 33-34 की होगी, 33 में लग रही हूँ, हाँ तो लग रही हूँ मैं तो, ताजा बताया है 1 सितंबर ना होंगे 33 की, मेरे से क्या साल छोटी है, नू कौन मेरा, मेरा 1989 का जन्म है, फिर मेरा 86 का जन्म है, 2-3 साल छोटे हो बड़े हो, शादी का है साल बताइए ना, छोटी हो तो अक्षर तो बड़े हैं, अक्षर तो बड़े हैं, अक्षर तो बड़े हैं, शादी का साल की थी जब हुई थी, मैं ना मतलब 1 सितंबर ना 15 की हुई थी, 22 नवंबर ने मेरी शादी थी अब तो केस हो जाता उस टाइम, हाँ कोई कर देता केस, मैं भी तो छोटा था, मेरे भी डैडी मुस्कान पूरी आई थी, रात तो कौन होता मेरे पर घना होता ना पैदल, मतलब एक ना मैं तो 18 का हो रहा था, फिर जी वो लड़का 18 को आ करता, लड़की तो 15 की आ करती, मैं तो हो रहा था, मेरे तो डैडी मुस भी बोलू तेरी तेरे से तो ज्यादा थी थोड़ी सी, देख रहे हैं मेरी थोड़ी थोड़ी है, अब कटिंग करवाने जाऊंगा, और सुन तेरे दादा ने पता क्या करा, मैं काम कर रहा, तेरे दादा ने स्कूटर देना आया मेरे को, तेरा दादा स्कूटर दिया नहीं करता, स्कूटर होया करता अपने पास में, प्रिया 3 गियर वाला, और बॉक्सर मोटरसाइकिल थी अपने पास,
स्कूटर देन आया ले बेटे स्कूटर फटाफट ना शेविंग करवा घर पा जब मेरे को क्या पता बकरा लाल करेंगे कर दिया। और तेरा नाना तेरा मामा आए हुए मंगलवार का दिन तो घर में संगत आई हुई थी और कढ़ाई थी तो पता क्या करा मैं पता नहीं उसी के साथ में होगा मेरे ना तिलक करा हाथ में ज्यादा रुपये भी नहीं टेक के 11 रुपये यही रिवाज था उस टाइम 11 रुपये रख दिया मेरे हाथ में। मैं पता नहीं भाई मैं मान तान होगी संगत आई हुई थी घर पे बाद में पता लगा तेरा दादा ने बताई मेरे तीन को तेरी सगाई कर दी है ठीक है ना अपना काम धंधा ढंग से कर लियो। मैं बोला अच्छा मैं छोरी तो दिखा दो मैंने हमारी थी तीन औकात भी नहीं आया करती बोलने की तेरे दादा के सामने पापा देख के आता खड़ा देख के आता हूँ तेरा लुक का ना कौन मैं मैं देख के आया था तेरे को कब देख के आया था झूठी तो हंसी शादी हुई थी ये पार्लर में थी तेरी बुआ और गई हुई थी मैं भी पीछे पीछे पहुंच गया मैं देख कर तो है कौन है फिर बाद में देखा मैं तो भैंस कड़े पल्ला लगा दी मेरे मोटी थी तेरी मम्मी पहले कितनी और ब्लैक रंग था बिल्कुल तेरी मम्मी का सावली थी फोटो में तो देवा सफेद दिख रहा देखा ना वो तो कैमरे का कमाल है सावली थी तेरी मम्मी नू थी भाई गोलू ची झूठ को गर्मी का दिन था धान झड़काया कर दे खेत में काम करया कर दे ठीक है सारा धान धून झड़कवा के तेरी मम्मी ने खेत में से कपास निकाल के बहुत बेची बोटो भी खाई है हां है ना खेत में तो कोनी कुछ खेत में तो छुट्टी वाला दिन जाया कर दे के देर रात का ना घर ले आया कर दे उन्हें मत कर लिया कर दे चोरी चोरी के करनी हुआ कर दी छुपा लेते घर को रहे कौन करता अच्छा दुकान पे तो ना ये काम करे कभी कनक दे के टोफी टाफी लेके आई हो हां तो दिया कर दे दिया करते ना गांव में सब्जी भी ले आया कर दे चीनी चानी भी ले आया कर दे का पास दे कर पहले पैसे नहीं होया करते घर में ये होया करता राशन होया करता राशन दुकान पे दिया करते उसी के बदले में सामान मिल जाया करता आज तो पैसे मांगते हैं पैसे नहीं होते पहले पैसे ना तो दर्जा भाई तेरा फोन है फोन करे उस टाइम तो फोन ही नहीं थे जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना पैरा सोनी का फोन आया था मोटरोला का तेरे दादा ने मेरे को लेकर दिया इनके पास में फोन ही नहीं होया करता पड़ोसियाँ फोन करा करता तेरी मम्मी से बात करने के लिए है ना तो आज के कमेंट का यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए नमस्कार बाय बाय गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग हाँ गुड इवनिंग हो चुकी है तो बाकी बचे हुए कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे इस रोज मुस्कान ब्लॉग्स पे तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले तो हम कल देंगे इस रोज मुस्कान ब्लॉग्स पे कमेंट करें तो आप हमें हमारे चैनल पर इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहना जिससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल तो बता दो चैनल का नेम है सरोज मुस्कान ब्लॉग्स डिस्क्रिप्शन में लिखकर जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी आईडी है इमानसुन इंस्टा पे आईडी है मेरी इमानसुन 9187 जो यहाँ पे चल रही है इसको भी जल्दी जाके फॉलो कर ले। सरोज मुस्कान चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें तो शेयर करें और नमस्कार बाय बाय गुड नाइट गुड इवनिंग और तो गाय तब अभी जा रहे हम फोन पूछने कोई नया फोन हो तो सस्ते मिल जाए वो भी लेंगे कोई पुराना वो भी लेंगे एक तो बार लेंगे तो ये भी बोला जाता है पहले बोलती नहीं थी बोलना नहीं आता था बोलने लगी ये है वो देखो मेहनत करते हैं शुरू में तो किसी भी कुछ भी काम हो वो भी नहीं करना आता और धीरे धीरे ना अपने आप ही काम की वो बन जाती है तो ये सिखाने वाले बोलने वाले जो कैमरे के पीछे हैं उन्होंने हमें डांट मार के पका दिया जमा दिमाग पका दिया हमारा ये हमने बेरा बोलना है तो हम बोलना हाँ और ऐसे वो लोग हमारे में दिक्कत नहीं है कि कमेंट पढ़ते हैं जब बैठ बैठ के शरीर कट जाता है थक जाना क्यों गए सरोज क्या हो गया मुस्कान कमजोरी कई दिन हो गए तू बैठे बैठे करियो बेटा मालिश कर दे मम्मी कर दे ना पैर का कर दे अरे मैं पैर का हाथ कौन लगवा मुस्कान अच्छा पैर का हाथ नहीं गोड्डे पकड़ ले बेटा ना हो गया तो हो गया पूरा ये गुठा रियो पैर इतना ही नीचे चला वो जाता है तो गिब्बी है देखिए नस हां वो जाता है थोड़ी अंगली मार गया ना थोड़ा पैर अंगली ला लिया कर आ लेगो नहीं हाथ पे लगा दोगे जिमराज सा होता है वो तो सो जी को ये तो बाटा जाना कई बार मनु कैंची तो काटो ना ये अंगली नु ये नोच ली जाने